स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, आज हम आपको एक स्पेशल चीज़ बताने वाले हैं जो कि दौड़ने वाले जितने भी ग्रुप डी के एस्पिरेंट्स हैं, जो रनिंग की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये जो चीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जितना भी रनिंग कर लो, चाहे जितनी भी आप कोशिशें कर लो, चाहे जितना प्रैक्टिस कर लो, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आपके अंदर न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं रहेंगे, तो अल्टीमेटली आप थक हार के बैठ जाओगे और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि आपके बॉडी में उतनी एनर्जी रहे, उतनी एफिशिएंसी रहे कि जो आप चाहते हो, जिस मुकाम पे आप अचीव करना चाहते हो, उसे आप हासिल कर सको। उसके लिए दो चीज़ें की ज़रूरत होती है, और उसमें जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो होता है आपके बॉडी में न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स। अगर इनकी कमी रहेगी तो आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, जितना तेज़ दौड़ना चाहते हो, जितने कम टाइम में आप रनिंग करना चाहते हो। दूसरी चीज़ होती है माइंड, जो आपका दिमाग है वो आपको बूस्ट करता है, आपके एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन माइंड चाह के भी क्या करेगा अगर आपके बॉडी में एनर्जी ही ना रहे। आपके बॉडी में अगर खून की कमी है, ब्लड की कमी है, तो माइंड चाहे जितना भी आपका स्ट्रांग रहे, आप चाहे जितना भी कोशिश करो, लेकिन आपका शरीर जवाब दे देगा, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। कोशिश करोगे लेकिन कर नहीं पाओगे और गिर जाओगे, चक्कर आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए माइंड तो होता ही है कि आपको आगे बढ़ाने में, गोल को अचीव करने में ब्रेन का ज़्यादा यूज होता है। ब्रेन अगर स्ट्रांग है तो आप कर पाओगे, लेकिन वो तभी होगा जब आपके बॉडी में एनर्जी होगी, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स होंगे, आपका बॉडी हेल्दी होगा, आप फिट होगे। तो उसके लिए ज़रूरी है, देखिए प्रैक्टिस पे तो मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसे मैंने आपको रनिंग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हो सकती हो मैंने बताई हैं, किस तरीके से रनिंग करना है, सांसें कैसे लेनी है, अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, और क्या तरीके हैं जिसकी वजह से आप जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो रनिंग की, उसे आप विद इन टाइम कैसे ला सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको खाना क्या है, क्योंकि अगर आपका डाइट सही नहीं रहेगा ना, तो आप चाह के भी चीज़ों को सही ढंग से नहीं कर पाओगे। तो डाइट में ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें आप करिए जैसे मैं बताता हूँ, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे। होता क्या है कि जब आप रनिंग करके आते हो तो आप थकान महसूस होता है, पूरे दिन भर ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम कर लिए हो, कहीं ना जाने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, बस मन करता है कि लेटे रहें। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, दौड़ने के बाद आपके बॉडी में एनर्जेटिक फील होना चाहिए, ताकि अगर आप घर पे आओ तो रेस्ट तो करना चाहिए, बट ऐसा ना फील हो जाए कि बहुत थक गए हैं, अब अगर कोई कह दे दो कदम चलने के लिए तो आपसे चला ही ना जाए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपका बॉडी एनर्जेटिक होना चाहिए, जब सुबह दौड़ने जाओ तो बॉडी के अंदर से इस तरीके से वो फील आना चाहिए कि आप का बॉडी ये कहे कि नहीं, आज मुझे खूब तेज़ दौड़ना है, पहले दिन से कम समय में आज पूरा करना है, इस तरीके की एनर्जेटिक फील आपके बॉडी में होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें होंगी कैसे, उसके लिए ये वीडियो आपको बनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और जितने भी आपके साथी हैं जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी रनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करना, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में पूरा का पूरा एकदम जितने व्यूज़ उतने लाइक भी होने चाहिए, सबके सब लोग वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा से बताता हूँ, टारगेट हमारा है 15 जनवरी तक का 10,000 सब्सक्राइबर का, आपके साथ मिल करके ये पूरा हो सकता है। तो आप सभी लोग जो भी वीडियोज़ को देखते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, 10,000 सब्सक्राइबर 15 जनवरी तक पूरा करना है, तो आप उसे कंप्लीट करा दीजिए, आपका बहुत बहुत हम एक शुक्रिया समझेंगे, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ वो डाइट जो मेरे पास यहाँ पे सामने रखे हुए हैं, आप देख सकते हो ये मैंने अंकुरित चना है, आप इसे देखिए पूरी तरीके से ये अंकुरित हो चुका है, इसके देख रहे हो आप इतने दाने आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहली जो आपका जो फर्स्ट जो चीज़ है जो सब कोई ईजिली कर सकता है वो होता है
चना आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, जिसे काला चना बोलते हैं, है ना। इस वाले चने को आपको लेना है, इसे अंकुरित करना है। अंकुरित कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, हालांकि सबको पता रहता है लेकिन मैं बताऊंगा अंकुरित होगा कैसे। दूसरी जो चीज़ है वो है मूंगफली। इन सभी के फायदे मैं बताने वाला हूँ और कितनी मात्रा में कैसे खाना है वो मैं दिखाने वाला हूँ। और चौथी और पांच, पहली दूसरी तीसरी और चौथी चीज़ यहाँ पे देखिए, इसमें है क्या, ये है बादाम, ठीक है, और इसी में मैंने डाला हुआ है ये किशमिश। तो बादाम और किशमिश इसमें है, यहाँ पे है अंकुरित चना और यहाँ पे है मूंगफली। तो ये जो चार आइटम है आपके डाइट में होना चाहिए। अब इन चारों आइटम के क्या क्यों खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको चने को अंकुरित करना है। अंकुरित करने के लिए होता है क्या है कि आप इसे रात में भिंगा दो, ठीक है, सुबह तक ये पूरे तरीके से फूल जाता है। तो सुबह आपको करना क्या होगा कि इसमें का पूरा पानी निकाल दो, ठीक है, और इसको फिर वैसे ढक करके रख दो। शाम तक ये अंकुरित हो जाता है, फिर अगले दिन सुबह जब आप देखोगे तो लगभग इतना आ जाता है ना। जैसे मैंने इसको कल शाम में भिंगाया, परसों शाम में भिंगाया था, फिर उसके बाद सुबह मैंने इसको निकाल दिया पानी, पूरे दिन रहा, पूरी रात रहा, तो इस तरीके से ये अंकुरित हो गया है। तो इतना टाइम लगता है, कम से कम 48 घंटे लग जाते हैं पूरी अच्छे तरीके से अंकुरित होने में। तो इसको अच्छे तरीके से आपको अंकुरित कर लेना है। अंकुरित चना ही खाएं वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि चना खाने से होता क्या है कि आपके अंदर जो भी पाचन शक्ति है, पाचन से संबंधित जो चीज़ें होती है ना, वो ठीक रहती है, पाचन की समस्याएं सही हो जाती हैं। इसके अलावा इसके में पाए जाने वाले विटामिन मिनरल्स वो आपके बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। जब आप चना रेगुलर खाते हो अंकुरित चना, तो आपको बॉडी एनर्जेटिक फील करती है ना। आपके बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं, आपको अंदर थकावट नहीं होती है। जो आप दौड़ते वक्त थकने लगते हो, आप चाह के भी नहीं दौड़ पाते हो, वो चना खाने से आपको पूरा होगा। आप थकोगे नहीं, आपके अंदर जो सुस्तीपन है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो चना को जरूर खाइए। इसके अलावा इसके साथ में आपको मूंगफली भिंगो कर रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भिंगो कर खानी है। मूंगफली में देखिए होता क्या है कि मूंगफली में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी B1, B2, B3, B5, B6, B9 होते हैं, वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी में जो प्रोटीन की कमी होती है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। विटामिन से संबंधित जो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में कमी है उसको पूरा करने में ये हमारी मदद करता है, और इस वजह से आपकी बॉडी को काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिलता है। आपको पता होगा कि मूंगफली को ही गरीबों का बादाम कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रोटीन होती है कि आप जितना, अगर 250 ग्राम मूंगफली की बात करें तो 250 ग्राम मूंगफली में 300 ग्राम पनीर के बराबर प्रोटीन होता है, लगभग 2 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी में प्रोटीन की जो नीड है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तीसरी और चौथी जो चीज़ है वो बादाम है और किशमिश है, ठीक है। बादाम और किशमिश को देखिए आपको अलग से भिंगोना होगा, वो भी थोड़ा सा साफ करके। जब आप भिंगोएं तो इसको एक बार धुल लें पानी से, ठीक है, धुलने के बाद इसको भिंगाते हैं। और आपको करना क्या होगा, देखिए इसमें जो पानी है ना, भिंगोने के बाद जो इसका पानी है उस पानी को आपको पीना होगा। किशमिश और बादाम का जो पानी है उसे आप सुबह पी जाएं, उसमें भी आपको बहुत सारा आयरन मिलता है। जो किशमिश होता है वो आयरन में भरपूर होता है, आयरन की मात्रा उसमें पाई जाती है। और ये जो होता है आपके बॉडी में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी कि RBC, उनको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर आपके बॉडी में थकावट होती है, उसकी एक वजह ब्लड की कमी भी हो सकती है, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि किशमिश को भिंगाना है पूरे रात भर, उसमें का जो पानी है सुबह आप उसको पी जाइए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में आयरन की मात्रा जो होगी वो बढ़ेगी, और आपके अंदर खून की जो ब्लड की जो मात्रा है वो मेंटेन रहेगी, ब्लड की कमी नहीं होगी। तो इसके अलावा किशमिश जो भिंगाया है आप चने में मिला करके उसको खाइए, साथ में बादाम। देखिए बादाम जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बादाम खाने से तो एक तो कहा जाता है कि दिमाग बढ़ता है ना, तो दिमाग तो बढ़ेगा ही बादाम खाने से। आपके अंदर जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है। बाकी बादाम में भी पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, इतनी सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं।
आपको पता है कि जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके बॉडी में, आपके पैर में जो दर्द हो रहा है, हड्डियों में जो दर्द हो रहा है ना, उसका एक वजह होता है कैल्शियम की कमी होना आपके हड्डियों में, आपके बॉडी में। तो ये जो बादाम है ना, उस मात्रा को पूरा करेगा। तो बादाम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर बादाम का भी सेवन करिए, दो चार बादाम डाल लीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं कर सकते तो उतना बादाम भिंगा करके खाइए। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो कैल्शियम की जो मात्रा है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, इन सभी चीज़ों की कमी नहीं रहेगी और आपको दर्द वाली जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये सारे जो न्यूट्रिश जो चीज़ें मैंने दिखाई, अंकुरित चना, बादाम, किशमिश और मूंगफली, इनको आप एक साथ मिला देंगे, ठीक है, सबको एक साथ मिला लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, और उसे डेली बेसिस पर रोजाना जब आप दौड़ कर आते हो तो उसे खाइए। उससे आपको पूरे दिन एनर्जेटिक फील होगा और अगले दिन जब आप जाओगे ग्राउंड में दौड़ने के लिए तो आप पूरी एफिशिएंसी के साथ दौड़ोगे। तो ये थी आज की पूरी कंप्लीट डाइट, इसको आप फॉलो करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और अगर फायदा मिले तो मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा और कोई भी डाउट हो तो जरूर आप मुझे कमेंट करिए, आपका रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ। जो भी डाउट होते हैं उसको मैं पढ़ता हूँ, आपके सारे कमेंट्स को मैं देखता हूँ, जिसको भी लगता है आपका जेन्युइन क्वेश्चन उसका मैं आंसर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चाहे अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करिएगा, ताकि सभी आपके जितने भी साथी हैं उन सबको ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पता चले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब का तो आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।